हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस लेक्चर में हम आई के एक और डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और जिस डिफेक्ट का नाम है एस्टिगमेटिज्म। सो स्टूडेंट्स, एस्टिगमेटिज्म में आई के साथ किस तरह की कंडीशन रहती है, आप अपने सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे होंगे। ये हमारा आई का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि जो रेज हैं, जब वो कॉर्निया और आई लेंस में से पास हो रही हैं, वो डिफरेंट जगहों पर फोकस हो रही हैं। जैसे कि कुछ आप देख रहे हैं कि रेटिना के फ्रंट में सामने कुछ यहाँ फोकस हुआ है, और कुछ रेज जो हैं वो रेटिना से पीछे फोकस हुई हैं। तो हमें जो इमेज देखने को मिल रही है इस ऑब्जेक्ट का, ये जो सामने कुछ अल्फाबेट्स या वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो ब्लर दिख रहे हैं। मीन्स एस्टिगमेटिज्म में क्या हो रहा है कि आपका जो रेज लेंस से पास करने के बाद जो फोकस हो रहा है, कुछ रेज अलग लोकेशन पर फोकस हुआ है, कुछ रेज अलग लोकेशन पर फोकस हुआ है, तो इमेज जो है वो ब्लर बन रहा है। तो ऐसी जो समस्या होगी आई के साथ, उसे हम एस्टिगमेटिज्म के नाम से जानते हैं। और अगर इसकी हमें एक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो देनी रहे कि एस्टिगमेटिज्म क्या होता है, तो उसमें हम कुछ इस तरह से इसे डिफाइन करते हैं। लाइक इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई, द आई लेंस डेवलप different curvatures for different directions। So इस तरह की अगर सिचुएशन एक आंख के साथ रहती है, जहाँ पर आई लेंस या जो हमारा पूरा आईबॉल है, जो कॉर्निया है, उसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाए कि इट हैज़ डिफरेंट कर्वेचर्स फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, तो जो फोकस रेज होने वाली हैं वो रेज एक जगह पे ना होके दो अलग अलग जगहों पे फोकस होंगी। इस बात का मतलब क्या बन रहा है? इस बात का मतलब कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप जो है वो ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज ये हमारा एक नॉर्मल आई का जो है आईबॉल है, सो दैट इज बेसिकली स्फेरिकल। जो बिल्कुल डिफेक्ट फ्री आई है, उसका जो आईबॉल है दैट इज स्फेरिकल। सो अगर आप इस आईबॉल को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो कॉर्निया होगा और जो आई लेंस होगा, और ये जो पूरा आईबॉल हमने बना के रखा है, दैट इज स्फेरिकल। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए आईबॉल के ऊपर, कहीं पर भी कंसीडर कर लीजिए, हर जगह जो कर्वेचर है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि कुछ जगहें जो हैं वो स्टीप हैं, कुछ जगहें जो हैं वो फ्लैट है, ऐसा नहीं है। हर जगह जो है वो अपने पास बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हर पॉइंट इक्वली कर्वेचर के साथ है। तो ऐसा जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल आई के साथ रहेगा, जो कि बिना किसी डिफेक्ट के साथ है। लेकिन एक बात है कि मायोपिया में भी आई हमारा स्फेरिकल ही होगा, और हाइपरमेट्रोपिया में भी रहेगा स्फेरिकल ही आईबॉल। लेकिन हम बात करें एस्टिगमेटिज्म की, तो उसमें क्या सिचुएशन है? नॉर्मल आई ऐसी रहती है कुछ, लेकिन लेट सपोज आप मान लीजिए कुछ ऐसे, इसे अज्यूम कर सकते हैं आप एक बास्केटबॉल की तरह। अगर आप इसे कुछ ऐसे फोर्स लगाएं तो ये थोड़ा सा अपनी शेप से डिवाइड हो जाएगा। लाइक ये कुछ ऐसी शेप ले सकता है, ले लेगा, तो ये थोड़ा ओवल शेप का हो गया। This is some oval shape. आप इसे एक basketball से imagine कर सकते हैं, जो normal eyeball रहेगा हमारा, लेकिन जो astigmatism वाला जो eyeball रहेगा वो कुछ इस तरह की oval shape का रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो curvature है ऐसे eyeball का, वो different है different directions के लिए। कुछ जगहों पे वो थोड़ा steep है, और कुछ जगहों पे वो relatively flat है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, स्फेरिकल के केस में हर पॉइंट जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, हर पॉइंट पे जो कर्वेचर है वो ऑल द डायरेक्शंस के लिए सेम है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। तो अगर आई बॉल कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हर डायरेक्शन के लिए जो मींस जो कर्वेचर है वो डिफरेंट है, आई लेंस डेवलप डिफरेंट कर्वेचर फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये इस बात का मतलब है। तो ऐसा कुछ शेप रहेगा तो वैसी समस्या को हम एस्टिगमेटिज्म कहेंगे। तो ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा है? आप इसे एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अब जो रेज आएंगी, अब हर डायरेक्शन के लिए डिफरेंट कर्वेचर है, तो जब भी वो लेंस में से, कॉर्निया में से, उसके बाद लेंस में से जब वो पास करेंगी, तो वो डिफरेंट जगहों पर फोकस करेंगी, बिकॉज जो कर्वेचर है वो डिफरेंट हो चुका है। यहाँ कर्वेचर डिफरेंट नहीं था, तो जो रेज आ रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, वो डिफरेंट लोकेशंस पर जाके जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी, जिसे हम एस्टिगमेटिज्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कुछ रेज यहाँ फोकस किया है, कुछ रेज रेटिना से पीछे फोकस किया है, सो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एस्टिगमेटिज्म। तो ये जो अनइक्वल कर्वेचर है
आई का उसकी वजह से जो डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एस्टिगमेटिज्म। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, इसके हेरिडिटरी रीजन भी हो सकते हैं, कोई लाइक कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है या कोई कुछ आई के साथ कुछ हुआ हो जिसकी वजह से कोई इंजरी हुई हो, जिस वजह से जो कर्वेचर है वो कुछ इस तरह की शेप ले गया हो, या कुछ हेरिडिटरी कारण हो सकते हैं आई के इस तरह के कर्वेचर के होने के। या आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर दो तरह के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बन गए हैं, बेसिकली जो रेज आ रही हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस हो रहे हैं और हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए जो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें जनरली हम सिलेंड्रिकल लेंसेज कहते हैं, ये लेंसेज कुछ ऐसे होते हैं कि इन लेंसेज के पास डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए डिफरेंट कर्वेचर्स होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एस्टिगमेटिज्म के ऊपर कि आपको किस तरह का एस्टिगमेटिज्म, मतलब कितना एक्सटेंड तक एस्टिगमेटिज्म है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका लेंस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए वी हैव सिलेंड्रिकल लेंसेज, और वो सिलेंड्रिकल लेंसेज जो हैं उनके डिफरेंट कर्वेचर्स होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, सो दैट कि वो जो रेज आएंगी वो सारी डिफरेंट डायरेक्शन से भी आएंगी, वो एक ही जगह पर फोकस करें, यानी कि रेटिना पर फोकस करें और हमें एक क्लियर इमेज दिखे। तो हम यहाँ पर कुछ इसे एक सिलिंड्रिकल लेंस की मदद से इस ब्लर इमेज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो जो अलग अलग जगहों पर फोकस हुआ है ना एक जगह पर लाने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा कुछ इस तरह से एक सिलिंड्रिकल लेंस है, और अब हम इसकी फोकल लेंथ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, कर्वेचर्स को एडजस्ट कर रहे हैं सच दैट कि जो फोकस है वो किसी एक पॉइंट पे हो। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारी जो इमेज है वो क्लियर होती जा रही है, स्टिल अभी तक थोड़ा ब्लर है, एंड अब आप देखेंगे कि इमेज जो है हमारी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। सो इस तरह से हम एक सिलिंड्रिकल लेंस की मदद से डिफरेंट डायरेक्शन से भी जो रेज आ रही हैं वो हम एक ही जगह पर फोकस कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने एक ऐसा लेंस का इस्तेमाल किया है जिसके डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए डिफरेंट कर्वेचर्स हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, स्फेरिकल के केस में ऐसा नहीं है, इट इज़ लाइक सिमेट्रिकल फॉर ऑल द डायरेक्शंस, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम हमें एक ऐसे लेंस का इस्तेमाल करना पड़ा है जिसके डिफरेंट कर्वेचर्स हैं फॉर द रेज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस। सो नाउ इट इज फोकस्ड एट वन पॉइंट दैट इज रेटिना, तो आपको जो है वो क्लियर कट इमेज देखने को मिल रही है। हमें एस्टिगमेटिज्म है या नहीं है इसे हम एक सिंपल से टेस्ट की मदद से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पेन बिल्कुल सेम है, मैं जो भी ड्रॉ करूँगा वो सभी सेम इंटेंसिटी से रहेगा। मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लाइन जो है वो ड्रॉ करके रखा है, कुछ ऐसे मैंने कुछ लाइन्स ड्रॉ करके रखा है, इसे मैं फर्स्ट लाइन बोलता हूँ, दिस इज़ 1-1, दिस इज़ 2-2, एंड दिस इज़ 3-3, एंड दिस इज़ 4-4। आप भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, तो सारी लाइन्स मैंने सेम पेन से ड्रॉ किया है, सेम इंटेंसिटी है यहाँ पर कलर का, कोई ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा लेस ब्राइट नहीं है, सब सेम है। सो आप इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको ये सारी लाइंस सेम इंटेंसिटी की और बिल्कुल डिस्टिंक्ट आप देख पा रहे हैं, सभी को आप डिस्टिंक्ट रूप से देख पा रहे हैं, सो देन इट मींस दैट आपको एस्टिगमेटिज्म नहीं है, मतलब नो एस्टिगमेटिज्म। सो ये समस्या आपके साथ नहीं है। अगर आप सभी लाइंस को लाइक 2-2 डायरेक्शन, 4-4 इस तरह से सभी को बिल्कुल सेम इंटेंसिटी से और बिल्कुल अलग आपको दिख रही हैं, तो इट मींस आपको कोई एस्टिगमेटिज्म नहीं है। अगर किसी को एस्टिगमेटिज्म है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइंस ले ली जिसका नाम मैंने 2-2 रखा था, इसका 4-4 था और इसका 1-1 था और इसका लाइक 3-3 था, ऐसे कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखा था। और अगर ये लाइंस मैं ऑब्जर्व करूं, लेट सपोज कि 2-2 मुझे मोस्ट इंटेंस दिख रहा है, एंड लेट सपोज मुझे ये 4-4 जो है वो लीस्ट इंटेंस दिख रहा है, देन इट मीन्स दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम एस्टिगमेटिज्म। मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मुझे इंटेंस दिख रही हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इंटेंस नहीं दिख रही हैं, सो मीन्स आई एम नॉट एबल टू फोकस दीज लाइन्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो आई एम सफरिंग फ्रॉम एस्टिगमेटिज्म। तो इस तरह से आप एक सिंपल से टेस्ट की मदद से चेक कर सकते हैं कि आप एस्टिगमेटिक हैं या नहीं हैं। जैसे आप मान लीजिए अगेन इस फिगर को लेट सपोज हम 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, तो रोटेट करेंगे तो अब 4-4 ये वाली जगह ले लेगा और अब 2-2 ये वाली जगह ले लेगा। हमने 90 डिग्री से रोटेट कर लिया तो 2-2 ऊपर चला गया और 4-4 ने उसकी जगह ले ली। हमने फिर ऑब्जर्व किया, हमें अगेन जो 4-4 है, अब जो 4-4 है वो हमें अब मोस्ट इंटेंस दिख रही है और 2-2 जो है वो लीस्ट इंटेंस दिख रही है।
सो इट मीन्स दैट कि ये वाली जो डायरेक्शन थी दैट इज वो ज़्यादा हमें इंटेंस दिख रही थी, और ये 2-2 वाली थी जो इसके परपेंडिकुलर थी वो कम इंटेंस दिख रही थी। अब से नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि लाइक 2-2 की जगह 4-4 ने ले लिया है। तो ये वाली जो हमें ज़्यादा इंटेंस दिख रही है, ये लीस्ट दिख रही है, तो इससे हम कन्फर्म कर सकते हैं कि हमें जो है वो एस्टिगमेटिज्म है। सो इस तरह से आप सिंपल टेस्ट की मदद से अपने एस्टिगमेटिज्म को चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट एस्टिगमेटिज्म। विद दैट थैंक यू वेरी मच।